अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन की विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। रेखा आर्या ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहे हैं। विभाजन ने ऐसे जख्म दिए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम विभाजन के समय हिंसा के शिकार हुए शहीदों को याद कर रहे हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2021 से हम लोग लगातार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये अपने आप में उन लोगों को स्मृति करना है, उन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है जो देश के विभाजन के साथ में हिंसा के शिकार भी, वे मातृशक्ति जो हिंसा के शिकार भी, वे हमारे हिंदू भाई जो ना चाहते हुए भी उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, तो जिस प्रकार से उनकी शहादतें हुई, उन शहादतों को आज नमन हम सब लोग करते हैं और नमन करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से वे हमारे भारत के अहम हिस्सा रहे हुए हैं, तो आज उन्हीं को स्मरण करना हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में पूरे देश भर में जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस